नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। इस वक्त हम बहरी महादेव धाम में हम प्रांगण में मौजूद हैं। चैती छठ का जो व्रत है काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है। वैसे मैं आपको बता देना चाहते हैं, बहरी महादेव धाम है ये जो है नगर परिषद पीरो भोजपुर के अंतर्गत आता है। सारा व्यवस्था जो है नगर परिषद के अंतर्गत ही होता है यहाँ पर, और यहाँ का जो कमेटी है। और खास बात यह है कि यहाँ पर जो है बात करेंगे किरण उपाध्याय जी, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्था जो है यहाँ पर नगर परिषद पीरो के अंतर्गत जो बहरी महादेव धाम में जो छठ व्रत हो रहे हैं इनका किया गया है। मैम स्वागत है छठ की। जैसा सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ आपको और पीरो समेत समस्त प्रदेश के लोगों को चैती छठ की हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ। जैसे ये देखते हैं कि चार दिनों तक चलने वाला ये महान आस्था का महान पर्व है। इससे बहुत सारी हम लोग की मैंने पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें ना किसी जात पात किसी का भेदभाव नहीं रहता, सब कुछ हट जाता है। और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें पंडित की कोई आवश्यकता नहीं होती जी, इसमें लोग अपने करते भी हैं और अपने ही पंडित रहते हैं। कैसा लग रहा है बहरी महादेव धाम में जो है यहाँ पर जब आई हैं तो? बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारे क्षेत्र में एक चैती छठ यहाँ बहुत धूमधाम से होता है। कार्तिक छठ में तो और जगह पे होता है लेकिन चैती छठ यहीं पे सारी लगभग आसपास के प्रदेश मैंने आसपास के क्षेत्र की सारी महिलाएं यहीं पे आके करती हैं। और हमारे नगर परिषद की ओर से तमाम यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जैसे चेंजिंग रूम है और मैंने कंट्रोल रूम है छठ घाट के आसपास, जितने सारे बांस वास का ये घेर करके कि किसी कोई महिला इसमें गिरे नहीं, सारी व्यवस्थाएं हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद है हमारे नगर परिषद। ये व्रत जो है चैती छठ जो है गर्मी के मौसम में होता है, ठंडे के मौसम होता है, क्या अनुभव है दोनों छठ का व्रत जो है? बहुत अंतर है। इस मौसम में देखते ही हैं कि लू का मौसम होता है, बहुत ही गर्मी रहती है, फिर भी ये सूर्य भगवान का पर्व है, भगवान की शक्तियाँ होती है और नारी तो स्वयं शक्ति स्वरूपा होती ही है। बिल्कुल जी, तो ये बहुत कठिन पर्व है लेकिन फिर भी बहुत आस्था से और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दूर से आए हैं, क्या कहेंगे उनको, दूर से भी लोग आए हैं, बनारस तक से आए हैं। हाँ हाँ, बोले ना कि यहाँ का एक विशेष महत्व है, इसका पौराणिक महत्व है यहाँ का, बहुत से दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे करने के लिए। तो मैं सबसे यही अपील करें, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसमें जाके वो लोग अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सहायता ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं भ्रमण करने का काम कर रहे हैं नगर परिषद सभापति महोदय मैम किरण उपाध्याय जी, और काफ़ी अच्छा लगा देख करके। और जो है यहाँ पर घूम रही हैं, हर जगह घाटों पर जा रही हैं और देख रही हैं कि किस तरह से जो है व्यवस्था यहाँ पर हुआ है और कहाँ कहाँ से जो दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं छठ व्रत करने के लिए, और इसके बारे में भी लोग से जान रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा बात करके सभापति मैम किरण उपाध्याय जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहे परसुमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, थैंक यू, जय हिंद।